हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे CP+ के इशू के बारे में। अगर आपको ऐसा दिखाई देता है कि आपका CP+ जो है पहले से अच्छी तरह से चल रहा था और अचानक से लिखा था कि इट इज़ फेल्ड टू कनेक्ट, और इस तरह के इश्यूज बहुत कॉमन है और ये क्यों होती है, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो है लोड ले रहा है प्रीव्यू, और थोड़ी देर बाद जो है लिखा आ जाता है सिर्फ फेल्ड टू कनेक्ट। ओके, तो इसके रिगार्डिंग मैंने मेल भी क्रिएट किया था CP+ को। अगर आप चाहें तो आप भी मेल क्रिएट कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनके नंबर पर। नंबर जो था वो एक्चुअली बिजी था, तो मैंने ईमेल क्रिएट किया और वहाँ पे अपना इशू जो है एक्सप्लेन किया कि मेरा जो डिवाइस ID है वगैरह वगैरह ये है और मुझे ये इशूज़ फेस हो रहे हैं कि ये फेल टू कनेक्ट आ रहा है। तो यहाँ जो है मुझे रिप्लाई मिलता है कि हम आपको इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि सर्वर मेंटेनेंस की वजह से जो है आपको ये दिक्कत आ रही थी, तो अगर आप इस इशू को अभी भी फेस कर रहे तो आप कॉल कर सकते हैं टेक्निकल सपोर्ट पे, अदरवाइज़ अब जो है काम करना चालू कर देगा। तो ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ और क्या पॉसिबल रीजन है वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको चेक करना है अगर ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कि आपको आपका कनेक्शन जो है वो हर एक चीज़ से सही है, यानी इंस्टा क्लाउड ऑन है, TCP/IP वगैरह सब सेट है। तो कभी कभार क्या होता है DDNS की वजह से भी हो जाता है, तो आपको जो है इसका डायनेमिक DNS जो है वो चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं अपना, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं इसका नंबर चेंज कर देता हूँ DNS का, DDNS का, और इसे एक नए सर्वर नेम के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने सेव दबा दिया है और यहाँ लिखा आ रहा है कि स्टेटस जो है अब कनेक्ट हो चुका है, एक नया DDNS क्रिएट हो चुका है और उसके साथ कनेक्शन बन चुका है। तो अगर आपका एक नॉर्मल इशू होगा तो इससे सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज़ आप जो है यहाँ पे अपने डिवाइस मैनेजर में अपने सीरियल नंबर को कॉपी कर लें डिलीट करने से पहले, ताकि हम एक नया फ्रेश एडमिन ID और पासवर्ड डाल सकें। ठीक है, तो यहाँ जो है मैं फिर से एक डिवाइस ऐड कर रहा हूँ, वो यही डिवाइस है, वायर डिवाइस है, और आप इंस्टा ऑन अगर यूज़ करते हो स्कैन कर सकते हैं, अदरवाइज मैनुअली जो है यहाँ सीरियल नंबर डाल सकते हैं। और यहाँ जो है आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, वो कैसे बनाना है वो भी सिंपल है। आपको यहाँ पर आना है आपके सेटिंग्स पे, CP+ के अकाउंट में जाके यहाँ ऐड यूज़र पे क्रिएट करना होता है। ठीक है, यहाँ मैंने बहुत सारे अकाउंट्स बना रखे, सबको एडमिन अथॉरिटी दे रखी है, तो बहुत ही सिंपल है। आपको यूज़र नेम और पासवर्ड एक अच्छा सा डालना होता है सिंबल्स वगैरह के साथ, और आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इसे क्रिएट कर लेंगे यूज़र नेम, आपको वही यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो ये रहा यूज़र नेम और पासवर्ड, ये रहा मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप जैसे ही ये क्रेडेंशियल्स डाल देंगे अपने यूज़र नेम और पासवर्ड की और कनेक्शन को इनिशिएट करेंगे, तो अगर पीछे से बैकग्राउंड से इशू सॉल्व हो गया होगा तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ लिखा आएगा कि फेल्ड टू कनेक्ट, जो कि इस केस में है। ठीक है, तो ये जो है दो पॉसिबल रीज़न है। आप सबसे पहले अपना IP चेक कर लें वो करेक्ट है, DNS चेक कर लें, DDNS चेक कर लें, और ट्रबल शूट करने की कोशिश करें। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता, आप ईमेल क्रिएट करें और टेक्निकल सपोर्ट पे कॉल करें CP+ की। आई होप ये चीज़ जो है सॉल्व हो जाएगी। तो अभी भी जो है इशू है बैकग्राउंड में, जो कि इन्होंने बता रखा था कि सर्वर मेंटेनेंस की वजह से जो है वो बंद था, लेकिन अब काम करने लगेगा। तो ऐसे इश्यूज़ आ रही है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेक्निकल सपोर्ट पे, नंबर और डिटेल्स नीचे दी गई हैं। ओके, सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइज, बाय बाय।